गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मौलीज डेली लाइफस्टाइल में स्वागत है। मैं हूँ मौली, आप लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो अभी सवेरे आ गई हूँ किचन में और अभी बजे हैं 9, तो अभी मैं बना लूँगी ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी पोहा। तो यहाँ पे पोहा धो के रखा है, देखिए। और तो देखिए यहाँ पे टमाटर अनियन काट के रख दिया है। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं पोहा। तो आप देखते रहिए मैं कैसे पोहा बनाती हूँ। बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। तो अभी इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने के लिए देते हैं। तो मैंने पैन पे ऑयल गरम कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है सूखा मिर्च, राई और थोड़ा सा साबुत जीरा। और इसके अंदर मैं करी लीफ डाल दिया, फिर इसके अंदर फिर मूंगफली भी डाल दिया। अभी इसको एकदम लो फ्लेम में चलाते हुए भून लेंगे, हल्के से चलाते रहेंगे जब तक ये भून जाए। तो देखिए जो मूंगफली है वो अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैंने जो कटे हुए प्याज है उसको डाल दिया है और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैं ऐड कर दिया कटे हुए हरी मिर्च और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज अच्छे से पक जाए जल्दी। और प्याज पक चुका है, अभी मैं इसमें टोमेटो ऐड कर दिया और इसको ढक्कन बंद करके छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। तो देखो टोमेटो भी यहाँ पे पक चुका है। तो इसी टाइम मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया मैंने और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें मैं अभी डाल दूंगी पोहा। तो ये पोहा मैंने पहले से धो के रखी थी, तो पोहा को डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। पहले तो प्याज में थोड़ा सा नमक डाला था और अभी थोड़ा डाल रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको ढक्कन बंद करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए बन चुका है, मतलब अभी थोड़ी बाकी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूंगी और कटे हुए धनिया का पत्ता इसमें डाल के इसको मिक्स कर दूंगी और इसे ढक्कन बंद करके छोड़ दूंगी। 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये एकदम बन के रेडी है पोहा, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। और आप थोड़ा सा खाते हो ना तो आपका पेट बहुत टाइम तक फुल रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं ना वीडियो अपलोड करने के लिए छोड़ी थी तो वही देख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम कैसे कर लेती हो, मतलब उनको तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आता है कंप्यूटर चलाना, सॉफ्टवेयर का काम। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी करके अभी सीख रही हूँ और मेरी बेटी से भी हेल्प लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं तो कभी नहीं सीखी हूँ कंप्यूटर। मतलब शादी के बाद सीखी थी, लेकिन थोड़े दिन के लिए सीखी थी, वो एक्सेल वगैरह ये सब कुछ सीखी थी, लेकिन उतना नहीं जानती हूँ क्योंकि कंप्यूटर का कोई काम नहीं करना पड़ता है ना इसलिए। तो चलिए बकबक बाद में करते, पहले खाना खा लेती हूँ।
तो अभी हम लोग आ गए हैं मैकडोनल्ड पे, और यहाँ पे मैं अपना मास्क खोल दिया, खोल के बैग में रख दिया। और यहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं, हस्बैंड के छुट्टी है ना, तो इसलिए लेके आ गए। और यहाँ पे दोनों बेटियाँ आप लोगों को हाय कर रही है। तो एक्चुअली बड़ी बेटी का जो घड़ी है ना, वो स्कूल में बास्केटबॉल खेलते टाइम वो गिर गई थी, और उसका जो घड़ी का जो ग्लास है ना, वो टूट गया था। तो फास्टैग के शोरूम में गई थी वो ठीक करवाने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल भी ओपन होगा 8 तारीख से, तो इसलिए उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो इसलिए वो ही लेके गई थी। तो हस्बैंड वहाँ से आते टाइम पे बोला कि चलो थोड़ा मैकडोनल्ड चलते हैं बेटियों को लेके, क्योंकि उन लोगों को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए आ गए। और ये ड्रेस कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये एक नाइटी, नाइटी नहीं सॉरी, क्या बोलती इसको, मैक्सी ड्रेस बोलते हैं ना, वो मैक्सी ड्रेस है। तो ये इधर उधर आमने सामने पहनने के लिए लिया है ये मैक्सी ड्रेस। और यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर आ गया है, 4 बर्गर ऑर्डर किया था, 4 क्रिस्पी चिकन और 2 फ्रेंच फ्राइज़। तो एक क्रिस्पी चिकन और 2 फ्रेंच फ्राई अभी तक नहीं आया है, वो आए मतलब ये देखो भैया लेके आ गए, जो यहाँ पे है ना स्टाफ वो लेके आ गए फ्रेंच फ्राइज़। और कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑर्डर दिया था मेरे हस्बैंड ने। और मेरी छोटी बेटी तो बहुत ही खुश है, उसको ये सब पसंद है, उसको चावल दाल रोटी जो भी दो, फिश चिकन उसे वो सब पसंद ही नहीं है, ये बर्गर ये फ्रेंच फ्राइज ये सब उसे पसंद है, तो वो तो एंजॉय कर रही है। तो चलिए हम भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, और मुझे भी अच्छा लगता है फ्रेंच फ्राइज़, तो वही खा रही थी।
तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है और एक क्रिस्पी चिकन किसी ने नहीं खाया था पूरा के पूरा, तो वो ही पैक करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लिखा है। देखो आई एम नॉट गोइंग टू जिम टुडे, दैट्स द एंड ऑफ ऑल डिस्कशन। ठूस ठूस के बर्गर अभी खाए हैं और अभी बोल रहे हैं जिम नहीं जाना है। आज नहीं, कल से। मेरे हस्बैंड हैंडसम दिखते हैं, देखो। मेरे नजर में बहुत हैंडसम है। हवा करके तुम की ईयर पर्स कितना अच्छा है। इधर देखो, थोड़ा स्माइल करो। हाँ, हमारा अंदर कवर के। हाँ, हम के अब तो एक ही नहीं था। गुड नाइट। तो अभी घर की तरफ जाएंगे और इधर ऑटो ऑटो के लिए खड़े हैं। एनी मास्टर की ऑटो बुक करने का बात। अभी हस्बैंड ऑटो बुक कर रहे हैं, तो ऑटो बुक करने के बाद हम जाएंगे घर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे है हस्बैंड कर रहे हैं ऑटो बुक। तो चलिए, घर जाके फिर आप लोगों से बात। तो अभी तो हम घर के लिए निकल गए हैं और आज व्लॉग यही तक है, यहीं पे एंड करेंगे आज का व्लॉग। आई होप आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया है, और आपको पता ही है पसंद आया है तो क्या करना है, एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा है। और जितना हो सके मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे करके मुझे सपोर्ट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल ऑप्शन ऑन करके रखिए ताकि डेली आपको मेरा वीडियो मिल सके। तो मैं मिलती हूँ और एक नए सोच के साथ और एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरा लुक देख लीजिए आज का।